हेलो गाइस, वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू, क्योंकि कल रात को अपने टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। तो बहुत बहुत बधाई है सबको, और बहुत अच्छी मैच थी कल। इसीलिए कल मैं रात को लाइव भी नहीं आया था, इसीलिए टेलीग्राम पे ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि संडे रात को 9 बजे लाइव आएंगे। तो बहुत बढ़िया मैच थी, बहुत अच्छे से देखी और बहुत एंजॉय किया। तो अभी गाइज, आज संडे का दिन है, तो आज अपने 5 स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक लेके आए हैं और एक निफ्टी का व्यू, यानी कि टोटल 6 चार्ट एनालिसिस करेंगे। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। तो अभी अपने चलेंगे पहला स्टॉक, पहले अपने निफ्टी का व्यू देख लेते हैं। तो उससे पहले गाइज, आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना है। अपने लाइव मार्केट में अपडेट जो भी होगा वो यहाँ पे सबसे पहले मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो, जैसे कि कल अपना लाइव सेशन नहीं था तो उसका भी अपडेट मैंने यहाँ पे दिया था। इसीलिए बोलता हूँ कि आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो उससे क्या होगा कि मिस नहीं करोगे। जैसे कि कल एक दो लोग का मुझे कमेंट आया कि सर आज लाइव क्यों नहीं लिया, हम वेट कर रहे हैं। तो ये बेटर होगा कि आप ज्वाइन करके रखो। अभी अपने पहले निफ्टी का व्यू देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या हो सकता है, उसके बाद 5 स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक बताऊंगा। तो यहाँ पे देखोगे तो गाइज, निफ्टी में मैंने बहुत ट्राई किया लेवल ढूंढने का, लेकिन मुझे सही बोलो फ्रेंकली स्पीकिंग कोई भी लेवल नहीं मिल रहे थे। तो यहाँ पे देखो, निफ्टी 50 का मैंने फिबोनाची ड्रॉ करके भी रखा है। फिबोनाची के हिसाब से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अपने बॉटम समझेंगे, उसके बाद ये हाई समझेंगे, उसके बाद जो 4 जून को फॉल आया तो उसके हिसाब से देखोगे तो फिबोनाची यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो उसका 61% यहाँ पे आ रहा है, 24,280 के आसपास। लेकिन ये कोई पर्टिकुलर लेवल नहीं है, इस पर भरोसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इतने भी सटीक लेवल नहीं आ रहे। मैंने वीकली चार्ट के ऊपर भी ड्रॉ करके रखा है, मंथली चार्ट पे भी। निफ्टी जो भी उसके लेवल आ रहे थे, यानी कि फिबोनाची एक्सटेंशन आ रहे थे, उसके भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे निफ्टी में डिसीजन लेना बहुत टफ पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बेचेंगे तो आपका स्टॉप लॉस पक्का होगा, बाय करेंगे तो भी रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं होगा। तो क्लियर कट है, अभी 1-2 दिन आपको निफ्टी में कुछ नहीं करना, शांति से बैठना है। आपको टेलीग्राम पे अपडेट मिल जाएगी, अगर कोई भी लेवल निकलेगा तो आपको टेलीग्राम पे सबसे पहले मिल जाएगा। तो निफ्टी में क्या करना है, मंडे को छोड़ देना है, क्योंकि कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे कि कहाँ से निफ्टी में रिवर्सल आएगा। क्योंकि आपको ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि निफ्टी ऑलरेडी इतना ऊपर चढ़ चुकी है तो अभी नीचे ही आएगी, क्योंकि बैक टू बैक यहाँ पे बहुत सारे लोग ने सेल कॉल भी दिए होंगे, सेल भी किया होगा, उनका भी बैक टू बैक स्टॉप लॉस हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे भी सेल करोगे तो भी स्टॉप लॉस होने के चांसेस है, इसीलिए छोड़ देना है, निफ्टी में कुछ नहीं करना। अभी 5 स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक है, उससे पहले अपडेट गाइज, आज संडे को रात को 9 बजे लाइव है, तो प्लीज़ टाइम पे आ जाना, बहुत अच्छे से सेशन होगा। और आपका जो भी डाउट होगा, आपका जो भी पोर्टफोलियो में स्टॉक होगा, उसका आपने रिव्यू करेंगे, अच्छे से आपको लेवल समझ में आएगा। तो अभी अपने चलेंगे 5 स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक है, जिसमें पहले स्टॉक का नाम रहेगा। तो क्लियर हो गया गाइज, निफ्टी में कुछ नहीं करना है, 1-2 दिन शांति से बैठना, और आपको जो भी लेवल होंगे वो टेलीग्राम पर सबसे पहले मिल जाएंगे। तो पहला स्टॉक है बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो को इसमें पोजीशन बनाने का मेन रीज़न क्या है, डेली चार्ट के ऊपर अपने एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ पे देखोगे कौन सी स्ट्रेटजी के हिसाब से अपने बाइंग करेंगे, चंदे मोमेंटम ऑस्किलेटर स्ट्रेटजी, यानी कि जो अभी फ्राइडे को मैंने डाली थी वो स्ट्रेटजी के हिसाब से सेटअप बन रहा है। तो स्ट्रेटजी में अपने 2 इंडिकेटर यूज़ करते थे, 30 SMA के ऊपर स्टॉक होना चाहिए, तो यहाँ पे देखोगे तो 30 SMA के ऊपर है, और चंदे मोमेंटम ऑस्किलेटर -50 के नीचे आना चाहिए। तो ये भी अपने को इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक यहाँ पे देखोगे तो अप ट्रेंड में ही है, लेकिन उसका ओवरसोल्ड हो चुका है, यहाँ से स्टॉक में बाउंस बैक आ सकते हैं। ये तो हो गया अपना स्ट्रेटजी के हिसाब से। अगर आप स्ट्रेटजी यूज़ नहीं करते तो भी आपको यहाँ पे एक्यूरेसी आ सकती थी, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो उसका सप्लाई जोन था, यहाँ पे भी सप्लाई जोन था, यहाँ पे भी सप्लाई जोन था, फिर ब्रेकआउट देके ऊपर गया और स्टॉक यहाँ पे आया। यानी कि स्ट्रेटजी के हिसाब से भी अपना मैच हो रहा है, और सप्लाई डिमांड स्ट्रेटजी के हिसाब से भी अपना जो प्राइस एक्शन है उसके हिसाब से भी यहाँ पे, इसको आप ब्रिटिश कैंडल बोल सकते हो, इसको आप इनसाइड बार बोल सकते हो, इसके हाई के ऊपर पोजिशन बनानी है, इसका लो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, स्टॉक में ऊपर की साइड अच्छी रैली आ सकती है। तो अभी 9500 है, तो अभी आपको कुछ नहीं करना, 9570 के ऊपर पोजीशन बनानी है, 9360 का स्टॉप लॉस रहेगा। 10K के टारगेट 1 वीक लग सकता है, लेकिन आराम से इसमें टारगेट आ सकता है। तो ये अपना पहला ट्रेड हो गया बजाज ऑटो, जिसमें अच्छी रैली आ सकती है, लेकिन वेट एंड वॉच करना है, 9570 के ऊपर जाएगा तभी पोजीशन बनानी है। तो इसको डबल कन्फर्मेशन बोल सकते हो, स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी सिग्नल मिल रहा है और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी सिग्नल मिल रहा है। तो ये अपना पहला स्टॉक हो गया बजाज ऑटो, जिसको आपको पोजीशन बनानी है, लेकिन वेट एंड वॉच करना है, उसके बाद पोजीशन बनानी है। अभी गाइज मैं आपको दूसरा स्टॉक बताऊंगा, जिसका नाम है अवंती फीड। अवंती फीड में पोजीशन बनाने का मेन रीजन क्या है वो देख लेते हैं।
तो यहाँ पे देखोगे तो ध्यान से कौन सा सेटअप बन रहा है, सप्लाई डिमांड सेटअप है, और दूसरा है बार एंड डिप विथ एडीएक्स है। यहाँ पे अपने एडीएक्स यूज़ करते हैं, दूसरा है विलियम सर यूज़ करते हैं। तो अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा तो मैं यहाँ पे आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप वीडियो देख सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ स्ट्रेटजी समझाई हुई है। एडीएक्स की वैल्यू 25 के ऊपर होनी चाहिए, विलियम सर 14 की वैल्यू -80 आनी चाहिए। ये जब भी सेटअप बनता है तो वो इंडिकेट करता है कि स्टॉक मैक्सिमम यहाँ तक गिर सकता है, यहाँ से ऊपर जा सकता है। और अपने को यहाँ पे प्राइस एक्शन भी मिल रहा है। यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक का सप्लाई जोन था, यहाँ पे भी स्टॉक का सप्लाई जोन था, फिर से स्टॉक आया, फिर से सप्लाई जोन, फाइनली ब्रेकआउट देके ऊपर गया और यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर गया, रिटेस्ट किया, और यहाँ से स्टॉक फिर से ऊपर जा सकता है, यानी कि इसको आप रिटेस्ट कैंडल भी बोल सकते हो। तो ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी मिल रहा है और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी स्टॉक में अच्छी रैली आ सकती है। अभी 598 के आसपास है, तो अभी कुछ नहीं करना, 609 के ऊपर पोजिशन बनानी है। 585-584 का स्टॉप लॉस होगा। अप साइड में 640 के टारगेट 1 वीक में स्टॉक में आ सकते हैं। तो मैंने आपको दो लेवल दे दिया, 609 और 584 का। तो आपको ध्यान में रखना है, दो लेवल ध्यान में रखना है, स्टॉक दोनों के बीच में ओपन होना चाहिए। ऊपर का लेवल पहले ब्रेकआउट देगा तो एंट्री करेंगे, और नीचे का पहले ब्रेकडाउन हो गया तो छोड़ देंगे, इनवैलिड सेटअप हो जाएगा। तो ये अपना दूसरा स्टॉक होगा अवंती फीड, जिसमें अच्छी रैली आ सकती है। अभी गाइज मैं आपको तीसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है फिनोलेक्स पाइप। फिनोलेक्स पाइप में क्या हो सकता है, क्लियर कट आपको यहाँ पे देखोगे तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट तो आपको दिख रहा है। स्टॉक का नाम यहाँ पे देख सकते हो, डेली चार्ट के ऊपर अपने एनालिसिस करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी देखोगे तो बाय एंड डिप विथ एडीएक्स स्ट्रेटेजी है, जो पहले प्रीवियस में अवंती फीड में थी वही। और प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, और स्टॉक ने यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिया, यहाँ से स्टॉक में रिवर्सल आ सकता है। ये हो गया अपना प्राइस एक्शन के हिसाब से। अभी स्ट्रेटेजी के हिसाब से बाय एंड डिप विथ एडीएक्स स्ट्रेटेजी के हिसाब से एडीएक्स की वैल्यू 25 के ऊपर होनी चाहिए। देखो अभी भी ग्रीन लाइन ऊपर है, क्रॉस नहीं किए तो है। एडीएक्स की वैल्यू बाइंग साइड में 25 के ऊपर, विलियम सर की वैल्यू -80 जस्ट आके गई है। तो ये सेटअप अपने को क्या इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक का जो भी ऊपर से स्विंग आ रहा था यहाँ तक मैक्सिमम आ सकता है, यहाँ से बाउंस बैक करने के 80% चांस है। और प्राइस एक्शन भी अपने को बता रहा है, जब अपने को ऐसा डबल कन्फर्मेशन मिलता है तो वो उसमें एक्यूरेसी बढ़ जाती है। अभी स्टॉक 325 के आसपास है, तो अभी कुछ नहीं करना है, 330 के ऊपर पोजीशन बनानी है विद स्टॉप लॉस ऑफ 316, 350 के टारगेट 1 वीक में स्टॉक दिखा सकता है, लेकिन वेट एंड वॉच करना है, 330 के ऊपर जाएगा उसके बाद ही पोजीशन बनानी है। तो गाइज बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं कि 330 के ऊपर बोला है तो वो कभी कभी 335 पे 340 पे बाय कर लेते हैं। तो गाइज आपको ऐसा नहीं करना, मैक्सिमम आपको 330 के ऊपर यानी कि 1% तक आप बाय कर सकते हो, यानी कि 330 के प्लस 1% करोगे, समझो कि 333 का आ रहा है, तो वहाँ तक ही आपको बाय करना है, उसके ऊपर स्टॉक को छोड़ देना है, क्योंकि फिर वो रिस्क रिवॉर्ड आपका मैच नहीं हो पाएगा। तो जितना हो सके उतना बाय करो 330 के ऊपर, यानी कि 330.10 पैसा, 20 पैसा, 331, ऐसे वही रेंज में बाय करो। 330 प्लस 1%, उसके ऊपर जो भी रेंज है उसको छोड़ दो, क्योंकि वो फिर महंगा हो जाता है। तो वो आपको ध्यान में रखना है, जो भी लेवल बोला उसके आसपास बाय करने का ट्राई करो। तो अपना तीसरा स्टॉक हो गया फिनोलेक्स पाइप। अभी गाइज मैं आपको चौथा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है उषा मार्टिन। उषा मार्टिन भी देखोगे तो सप्लाई डिमांड के हिसाब से डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं। स्टॉक का यहाँ पे रिजेक्शन था, स्टॉक का यहाँ पे भी रिजेक्शन था, स्टॉक का यहाँ पे भी रिजेक्शन था, फाइनली इसको आप ब्रेकआउट कैंडल बोलोगे, ब्रेकआउट कैंडल के बाद आप इसको रिटेस्ट कैंडल बोलोगे, रिटेस्ट कैंडल के हाई के ऊपर आपका बाय बनता है, रिटेस्ट कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। दो लेवल मैंने दे दिए, स्टॉक दोनों के बीच में ओपन होना चाहिए, और ऊपर का लेवल पहले जैसे ही ब्रेकआउट देगा तब अपने बाय करेंगे, अगर नीचे का ब्रेकडाउन हो गया तो फिर छोड़ देंगे। तो उषा मार्टिन में अभी 398 के आसपास स्टॉक है, तो अभी आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे मैंने गलती से 398 लिख दिया, एक्चुअली उसका प्राइस है 387 के आसपास है, तो वो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, 387.85 है उसका क्लोजिंग प्राइस है। तो आपको क्या पोजीशन बनानी है, 393 के ऊपर जाएगा तभी पोजीशन बनानी है, स्टॉप लॉस 376 का लगाना है, और आपका अपसाइड में 410 के टारगेट 1 वीक में स्टॉक दिखा सकता है, तो इसके ऊपर जाएगा तभी आप पोजीशन बनाओ। तो ये अपना उषा मार्टिन चौथा स्टॉक हो गया। अभी गाइज मैं आपको पांचवा और आखिरी स्टॉक बताऊंगा। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो गाइज, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि बाय एंड डिप अपने को जितना हो सके उतने सस्ते स्टॉक ढूंढने का ट्राई करते हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। प्लीज़ गाइज वीडियो अच्छा लगता है और समझान मैं जो भी समझाता है आपको समझ में आता है और कुछ आपको हेल्पफुल लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो गाइज। डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे, स्टॉक का नाम है कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, और यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है।
तो यहाँ से बाउंस बैक आने के बहुत हाई चांसेस, इसका आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। स्टॉक दो जोन के बीच में ओपन होना चाहिए, ऊपर का लेवल पहले ब्रेकआउट आएगा तब बाय करेंगे। 1670 के आसपास है तो लुक्स गुड, अबो 1715 यानी कि 1715 के ऊपर पोजीशन बनानी है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1663 का आपका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड में 1800 के टारगेट, वन वीक में स्टॉक दिखा सकता है 1800 यानी कि प्रीवियस में जो हाई थे वहाँ तक स्टॉक जा सकता है, लेकिन कब जाएगा 1715 के ऊपर ही आपको पोजीशन बनानी है। अगर स्टॉक समझो कि 1715 का हाई मार्के भी नीचे आ जाता है तो भी अपना सेटअप कॉल एक्टिव नहीं होगा, 1715 के ऊपर कम से कम 10-20 पैसा भी जाना चाहिए। तो ये अपना पांचवा आखिरी स्टॉक हो गया जिसमें अच्छी रैली आ सकती है। तो गाइज मैंने आपको टोटल पांच स्टॉक बता दिए, निफ्टी का व्यू कुछ है नहीं इसलिए निफ्टी को आपको एक दो दिन इग्नोर करने हैं, उसके बाद अगर कोई लेवल होगा तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बजाज ऑटो को कंडीशनल बाइंग करनी है, अवंती फूड को भी कंडीशनल बाइंग करना है, फिनोलेक्स को भी कंडीशनल बाइंग करना है, उषा मार्टिन को भी कंडीशनल बाइंग करना है और कार्बोरंडम यूनिवर्सल को भी कंडीशनल बाइंग करना है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना और आज रात को 9 बजे लाइव आना मत भूलना क्योंकि अच्छे अच्छे स्टॉक एनालिसिस करेंगे वहाँ पे। तो अभी मिलते हैं गाइज रात को 9 बजे, बाय बाय, सी यू, टेक केयर और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सी यू।